5 रुपए चाहिए आपके पास, पूरा कपड़ा निकाल दो, 1 रुपया जो निकल जावे तो आपका गुलामी करूंगे। दिल टूटा है क्या आपका? नहीं रे, ऐसे बैठे बैठे याद, अरे बैठे बैठे ऐसे थोड़ी होता है, दिल टूट जाता है ना। ना तुझे छोड़ सकते हैं, तो टूटे हुए हो आ रहे। अरे छोड़, बोलो बोलो बोलो। ना तुझे छोड़ सकते हैं, ना तुझे पा सकते। अभी मिलने की तमन्ना है आपसे, अभी मिलने की तमन्ना है आपसे, कहते हर तमन्ना पूरी नहीं होती। थैंक यू सो मच। तो 50 रुपीज इन्होंने दिया है। गाइस वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो बहुत धांसू होने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है और बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। क्या बोलते भाई लोग? ठीक होने वाला है वीडियो। तो आज हम 1 का 1000 गुना करने वाले, कैसे आपको पता चलेगा आगे। पर आज की इस वीडियो में हमारे साथ जावेद भाई है, असलम भाई है और राहुल भाई है। तो सब मिलके आज कुछ धमाकेदार करने वाले। हम बनने वाले हैं आज 1 रुपए से 1000 पति। आप ये मत सोचो कि 1000 लड़कियों के 1000 पति, भाई हम 1 रुपए से 1000 बनाने वाले हैं। हमारा ये चैलेंज है। आगे से आगे वीडियो देखते रहो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा रोमांस भी आएगा इसमें। थैंक यू, फाइनली 5 रुपए मिल चुके हैं। 1 रुपए से 1000 पति बनने की शुरुआत हमारी हो चुकी है। ओके 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 ओके। एक्सक्यूज मी मिस, सो व्हाट इज योर गुड नेम? आकांक्षा। तो एक्चुअली जस्ट वी सॉ दैट यू आर वर्किंग वेरी फोकसली, तो हमें लगा थोड़ा सा बात कर लेते। बुरा तो नहीं लगा ना, डिस्टर्ब कर दिया हमने? तो मेरा नाम पीयूष है, जावेद है और थैंक यू। हेलो। तो बेसिकली एक स्कीम है हमारे पास, वो स्कीम आपको बस अभी आप बताना आप कर सकते हो कि हम आपको 1 रुपये देंगे, आपको हमें 2 रुपये देंगे, 2 या 10, बाकी आपकी इच्छा, ऊपर भी दे सकते हो, बट हाँ हम 1 रुपये देंगे, आपको 2 रुपये दोगे, ओनली सिक्का नहीं तो कैश। हाँ, और आप कर सकते, बदले आप हमारे से कुछ काम भी करवा सकते हो। हाँ, डांस करने के लिए बोलो, डांस करेंगे। आपको चाहिए कुछ एडिटिंग करना है, वी कैन डू फॉर इट, पोस्टर कर सकते हैं। तो मैं आपको 1 रुपये का डॉलर दूंगा, ठीक है? आप इसके बदले मुझे क्या दोगे? वॉट एवर अमाउंट आप दोगे उस चीज़ के बदले क्या करना है? इसमें अच्छे बोलने में, बोलने में बहुत अच्छे। हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। कितना आप 500 रुपीज़ दे रहे हो? तो मैडम ने हमें लॉटरी लगी भाई की, तो लॉटरी लग गई सीधा, $20 $20 मिल गया। इसके लिए, इसके लिए हम आपको कुछ तो पीना चाहते हो, कुछ नींबू पानी, शरबत या जूस? ओके ओके, टिप्स तो बनते हैं, 5-10 तो बनते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ, ये जो 20 रुपये, ये कोई अच्छी जगह जाने वाले, ठीक है? बिल्कुल अच्छी जगह जाने वाले। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपने बिना कुछ सोचे समझे आपने दिल खोल के सीधा बोल दिया कि हाँ। इवन हमने बोला आपसे काम कराने के लिए, बट आपने नहीं किया। बिल्कुल, वो आपके ऑन कैमरा से दिख रहा है, वो समझ रहे लोग, तभी हम कैप्चर कर रहे हैं हर एक चीज, जिससे लोगों को भी समझ में आए कि हाँ कितने जेन्युइन और कितने ईमानदार लोग हैं। यार तुम मेरे दोस्त की तरह लग रहे हो। कैलाश? कैलाश, अरे मेरे दोस्त का नाम कैलाश है, मेरे साथ ही है। हाँ, मेरा नाम पीयूष है। ओके, मैं देख रहा था तुमको बहुत टाइम से, इधर घूम भटक रहे थे। फ्रेंड आ रहा है, वेट कर रहा। किताब लेके एग्जाम वगैरह क्लास का पूछने गया। एग्जाम दे रहे हो क्या? नहीं रे भाई, कितना कितना फीस भर रहे हो? मतलब कोर्स है एक एडमिशन का, इसका पूछने गया तो करने वाले हो? हाँ, मतलब सिस्टर है उसको करना है। हाँ, तो अभी आप क्या कर रहे हो? मैं उसका पूछने गया था, वो गांव। तो आपने क्या किया है? हाँ, आपने क्या किया है पढ़ाई? पढ़ाई मैंने बीकॉम किया है। बीकॉम? अरे मैंने भी बीकॉम किया है, बस मैं कर ही नहीं पाया, ऐसा किया है। ठीक है, तो ये मेरे पास 5 रुपये। हाँ ठीक है, मुझे आज ये 5 रुपये से ना 1000 पति बनना, ठीक है? अभी मैंने 1 से 5 का तो सफर किया, लेकिन मुझे अभी मैं आपको दूंगा, आप मेरे को कितना रुपया दोगे बदले उसके? मुझे आप कुछ काम भी दे सकते हो, कुछ फनी डांस वास करना है, कुछ भी एक्सरसाइज है, मैं आपके लिए करूंगा और आप मुझे जो भी अमाउंट बनता है वो दे सकते हैं। ठीक है, पहले काम बोलो। पहले काम, बस एक शायरी करवा दे अच्छे। शायरी? ठीक है, लेकिन शायरी सुनो भाई ने, तो शायरी करने के लिए बोला मैं सुनाता हूँ। सही टाइम पे याद नहीं आती है। मैं सुनाता हूँ।
शायरी सुनना है हमारे भाई को आज, तो एक शायरी शायद सुनी होगी आप लोगों ने, बट मैं सुनाऊंगा एक मिनट बस हाँ, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो शायरी हो गई, तो उसके बदले आप क्या वैल्यू देना चाहते हो? इसके लिए मैं सिर्फ तुझे 20 रुपए दूंगा, ये शायरी बहुत। अरे बस, अरे 20 रुपए दे दिया आपने, बहुत। वो 20 रुपए यकीन मानो बहुत अच्छी जगह जाएंगे। अरे बस बस, दिस गाय, ये 5 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? हां, ये 5 रुपए अभी मैंने क्या बोला था, 5 में आपको दूंगा, आप जो भी हो। हां यस, ये मैं 5 रुपए आपको दे रहा हूं, तो आपकी वैल्यूएबल चीज है। 20 रुपीस, ओके। अभी तेरे लिए मैं एक शायरी करता हूं, वन साइडेड लव। हां चलो चलो, अरे बोलो। मैं लिखा था, दिल टूटा है क्या आपका? नहीं रे, ऐसे बैठे बैठे याद। अरे बैठे बैठे ऐसे ही थोड़ी होता है, दिल टूट जाता है ना। ना तुझे छोड़ सकते हैं, तो टूटे हुए हो आ रहे। अरे छोड़, बोलो बोलो बोलो। ना तुझे छोड़ सकते हैं, ना तुझे पा सकते हैं, बस तेरा बैठकर इंतजार कर सकते हैं। वाह, मतलब मिली नहीं अभी, वन साइड है, वन साइड है। आई फील यू ब्रो, बस बस, यू फील इट ब्रो, आई फील यू। भाई कमेंट में जरूर लिखिएगा, प्रार्थना करिए कैलाश जी के लिए, उनको जल्दी से एक बीवी मिल जाए, या कुल तो हम सफर मिल जाए अच्छी सी, क्योंकि इंतजार करते करते एडमिशन कराते कराते थक चुके हैं। अभी चाहिए कोई इनके साथ आए, कंपनी दे, बड़ा मजा आएगा। हाय मैन, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज पीयूष। लंडू, राइट? लंडू, ओके। सो माय नेम इज पीयूष, एंड सो जस्ट वी सॉ यू नो आवर डिफरेंट पर्सनैलिटी यू नो वॉकिंग टू दिस लेन, so thought of talking to you. Is it fine if whatever extra 1 rupees or 5 rupees or whether it is 10 rupees, you will give us to us through this social media which we are, you know, recording now, we are going to give that amount to the poor people who don't have, you know, parents and all, and we are going to show that as well, as so that they can, you know, add some good nights or even the good evenings. Yeah, that's the main motive. You guys are doing charity, like, yeah, kind like of that. We'll do, so that was the main reason. Okay, so I would like to just request you. You can say hi to our channel. And yeah. Hi, this is CC Vlog Ship. Now please subscribe and like the channel. Okay. Yeah, thanks a lot. Man. Wait, sakte hai? Wait, sakte hai? Baithe ke? Bas. Yeah, idhar ghadi toot gaya. Itna kharcha bad gaya na, samajh nahi aa raha mereko. Zindagi mein bahut tension hai. Kab tension aana wala hai? Bola kya? Jude aur to kuch jude aur kuch tension hai. Mera ghadi toot gaya, yaar. Kya kar? समझ नहीं आ रहा। अरे ऊपर तो बैठिए। अरे भैया ऊपर बैठने के लिए बहुत दर्द है जिंदगी में। मैं बोला आके आप लोग को पूछ लूँ क्या, आप लोग से जान लूँ क्या कुछ, तो आप लोगों को तो भरोसे, हम लोग घी खा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे घी खा रहा हूँ आप लोग को? हम लोग के भरोसे थोड़ी खा रहे हो आप? ही लोग खा रहा देते तभी तो खा रहा हूँ। अरे टेंशन हो रहा है, क्या जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या देखो इतना परेशानी है, समझ नहीं आ रहा किधर जाए। तो बुढ़ा हो गया अभी तो, हम लोगों जिंदगी में ऊपर जाने का कुछ तो क्लैरिटी मिलना चाहिए ना जिंदगी। जहर खाने तलक के पैसे नहीं है, जहर खाने को पैसा नहीं है, लोगों को नहीं है तो हम लोगों को कहाँ से मिलेगा? अरे अरे सर, खाने के लिए पैसा दे दो हमारे को। मैं अरे अपने पास का तंबाकू खाने का पैसा नहीं थी, आपको जहर खाने को पैसा कहाँ? मैं गाना बोलूं तंबाकू के साथ? मैं विमल भी नहीं खा पा रहा। नहीं नहीं, मैं गाना बोलूंगा तंबाकू। शरात तुझी पोर लागलो रे कमाला, जाऊ दे सोड आता काड तंबाकू। लेकिन कहां से लाके दूंगा आपको तंबाकू? शरात तुझी पोर लागले रे, निकालो निकालो निकालो, सही बात है। फोटो निकालो। गरीब हो गया बिपति। क्या क्या करने का नाम है? एक छोटी सी विनती है, एक छोटी सी विनती है आपसे। बोलिए, हमारे लाइफ जो सेवा रहेगा वो करूंगा, नहीं रहेगा तो माफी मांगूंगा। थोड़ी सी पैसों की जरूरत है, थोड़ी सी पैसों की जरूरत है, आपसे माफी मांग रहा हूँ। थोड़ी ज्यादा नहीं चाहिए आप लोग, यहीं पे ज्यादा नहीं चाहिए, 5 रुपए चाहिए आपके पास। पूरा कपड़ा निकाल दूं, 1 रुपया जो निकल जावे तो आपको गुलामी करूंगे। एक अर्जेंट काम है, कूटे चाले 5 रुपए चाहिए अपने को, 20 रुपए देंगे। बट लिखा था, आंखों की उन बातों में, दिल की उन रातों में,
प्यार के उस दास्तान में, होठों की उस मुस्कान में, आंखों की उन बातों में, दिल की उन रातों में, प्यार के उस दास्तान में, होठों मुस्कान में कई दर्द नजर आते हैं जो छूकर चले जाते हैं, कई दर्द नजर आते हैं जो छूकर चले जाते हैं। तेरे आगे सब दर्द मार दूँ, बुरों को बर्बाद कर दूँ, तेरी हंसी के लिए अपनी सांसें आबाद कर दूँ। हर ऐब से माना कि जुदा हो जाए, क्या है अगर इंसान खुदा हो जाए। शायर का तो बस काम यह है हर दिल में कुछ दर्द हयात और सिवा हो जाए। चार लाइन का भाई था, उर्दू लैंग्वेज से समझ में आएगा नहीं, लेकिन ये बहुत हमारे बीच कोई मजबूरी नहीं होती। अभी मिलने की तमन्ना है आपसे, अभी मिलने की तमन्ना है आपसे, कहते हर तमन्ना पूरी नहीं होती। ऐसे अरे कथक कर लिए क्या है? तो थैंक यू सो मच फॉर डांसिंग। तो आपने इतनी मेहनत करी, आप कितना रुपए देना चाहोगे हमें? वॉकिंग करते हो क्या रेगुलर? हाँ, थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं अब तो वो फिट दिख रहे हो, अब इसके लिए बोला मैंने। नहीं हूँ, थोड़ा सा मतलब ग्लो बहुत ज़्यादा है आपके चेहरे पे, तभी तो मैंने बोला कि एकदम अच्छे लग रहे हो। कुछ हम सबको एक ऐसी चीज़ बताना चाहोगी जिंदगी के लिए? मोबाइल का यूज़ कम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और माँ बाप को संभालना चाहिए, ज्यादा देना चाहिए। और कुछ बोलना चाहो जिससे कि हम आगे बढ़े? पढ़ना अच्छा है। आज कुछ लगता है आपको कि ऐसा बहुत चीज़ें मार्केट में या दुनिया में आज इतनी चीज़ें जो बच्चों को भी परेशान कर देती है, मेंटली डिस्टर्बेंस, आपको क्या लगता है देख करके ऐसा क्या है ऐसी चीज़ जो बर्बाद? क्या मोबाइल इंटरनेट सब सब चीज़ें मतलब सही यूज़ नहीं कर रहे लोग, सही यूज़ नहीं लोग यूज़ नहीं कर। अगर आप 10-20 रुपए की कुछ हेल्प कर सको जो एक अच्छी जगह जाने वाला, उड़ा ही देते हैं ना पैसा कभी घर खा लिया, वड़ा पाव जो की जरूरत ही नहीं है, पर वो चीज़ कहीं ना कहीं दूसरे को जरूरत होगी, तो उस तरीके से। थैंक यू सो मच। तो 50 rupees इन्होंने दिया है एंड विल मेक श्योर कि ये सही जगह पे जाए। उतना ही चाहिए, ठीक है? सही जगह पे जाए। इकड़े इकड़े भाई, इधर किधर जाने का 10 देख, काउंट करते हैं जिस पे 10 आया उस पे। एक मिनट, एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत हेक्टिक चल रहा था सारा शेड्यूल एंड देन मैं आई एंड देन यू गाइस, आपने मेरा मूड बहुत फ्रेश कर दिया। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ आप सबसे, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मुझे आ रही है एंड आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा सोशल कॉजेज के पीछे। सो आई विश योर चैनल मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स तक पहुँचे एंड या प्लीज डू सब्सक्राइब गाइस, सो विश यू बेस्ट लक। लड़की बोल रही है तो कर दे, करो बस कर दो। या सो क्या नाम है बॉस आपका? गणेश। क्या मतलब है बेस्ट फ्रेंड का? जैसे ये बता रही थी कि जब कोई ना हो तो बेस्ट फ्रेंड होता है समझाने के लिए। मतलब बेस्ट फ्रेंड जो है ना वो जज नहीं करता जैसे बाकी के लोग सब जज करते हैं, लाइक वैसे बेस्ट फ्रेंड नहीं होते। अच्छा। वो सॉल्यूशन देते हैं, लाइक हंसते हंसते भी हो हमारे पूरे प्रॉब्लम पे हंसते हैं लेकिन सॉल्यूशन देते हैं। अच्छा। वो चीज है। तो बिल्कुल सही बोल रही है कि गलत बोल रही है? नहीं सही बोल ना, बोल के तो देखो मार नहीं दिया तो। 9 से 7 में है। अच्छा, ना बोल के तो देखो मार नहीं दिया ना उनको। अरे खत्म है तू, अभी जगह पे दे रहे जगह पे। तुम बताओ कितना पैसा लगा रहे हो आजकल गर्लफ्रेंड पे? गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, सिंगल। एक मिनट, गर्लफ्रेंड पे बेस्ट? नहीं नहीं बेस्ट फ्रेंड है। कितना पैसा खर्च किया आज दिन भर में? सच्ची बात, ज्यादा कुछ नहीं, 1000 गया ना। लड़की पे ही होता है ना खर्चा, इतना कुछ मिला 1000? नहीं बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी। अरे वही तो गया ना, लेकिन अमाउंट जो तेरे पास था गया, वो अमाउंट कुछ मिला गया, वो अमाउंट कहां से आ गया? घर से। तो तुझे एक अमाउंट देना है, तो जो भी अमाउंट दे ठीक है, चाहे वो 400 हो 500 हो 1000 हो देता हूँ। तो बिल्कुल अब दो, और वो चीज अच्छी जगह जाने वाली है एंड पता चल जाएगा आपको वीडियो के अंदर कहाँ पे जा रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं दिन भर में तो पैसा बर्बाद होगा ही है, 1000 रुपए तो लड़की है तो फिर जाना ही है पैसा। स्टारबक्स जाएगा तो 2000 हो जाएगा। हाँ, स्टारबक्स जाओगे तो फिर हो जाएगा। अभी रात का खाना भी बचा है, कितना हो जाएगा बिल?
2000 तक तो जाएगा, नहीं जाएगा उतना। चल, और ये तुम्हारा ये चीज पब्लिक को भी कुछ अच्छा करने के लिए कोई इंडिकेशन देगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत खूबसूरत है, तो गर्लफ्रेंड है, और अच्छी मिलेगी भाई। 5000 रुपए उड़ाएगा, बट 5000 रुपए जब भी उड़ाएगा एटलीस्ट 500 रुपए तो 500 रुपए तो अच्छी जगह लगाना है कि नहीं? कितना कंट्रीब्यूट करोगे? कितना कर रहा? कितना? 100-200। 200 चलेगा, 200 कर सकते हैं। गूगल पे कैश है? नहीं, फोन पे। फोन पे ठीक है, लिमिट खत्म हो गई। तो अपने बेस्ट फ्रेंड से करवा दे। बेस्ट फ्रेंड से मांग ले, बोल ऐसा ऐसा है, कितना तो चलता है इतना। देख फोटो भी उसने ऐसा रखा है। कौन है ये साथ में? साथ में कौन है? मैं वही। तू ही है? उसके बर्थडे की फोटो है। इतना भी याद है? अरे ऐसी थोड़ी बेस्ट फ्रेंड है। आता दिवसभर आपला झाला खर्चा, तर ते बोलतायत की कितना कॉन्ट्रीब्युशन करोगे, वो पैसा आजचे काम के लिए जा रहा है, म्हणजे आता पण पे करायचे ते एक चांगल्या कामासाठी जाणार, असे आपले पैसे तर गेले दिवसभर ते ते म्हणतायत त्यांनी की कितना पे किती पे करायचे करायचे काय किती पाहिजे तुम्हाला ते सांगा। ये तो बोल रहे थे 500 रुपये, मॅमने बोला मत करो उतना, 200 रुपये कर लो। नहीं एक्चुअली आप ही बता दो कितना कर रहे थे। 200 मैं करूँगा। देखो यू आर ओके टू कॉन्ट्रीब्यूट राइट, तो द मेन रीजन बिहाइंड दिस क्या है, क्यों कर रहे हैं? बेसिकली हमने एक चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? हमें 1 रुपये से निकले, उसको 1 रुपये को हमें 500 या तो 1000 रुपये बनाना है, 1000 रुपये बनाना है, और उस 1000 रुपये में बनाने के लिए हम कहीं ना कहीं जो लोग मदद कर पा रहे हैं, हम अप्रोच कर रहे हैं कोई, पैसे किस लिए? जो भी इंसान जिसे पुअर हो गया, कोई गरीब हो गया, उसको खिलाने। ये दिखाना क्यों है? दिखाना बिकॉज लोग भी देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ यार मैं वैसे भी बिजी जिंदगी में, अब देखो ना वड़ा पाव बिना मतलब खा लेते, कभी कभार कुरकुरे खा लेते, क्या मतलब है उसका? भूख नहीं भी होती तब भी हम इमोशनल ईटिंग करते हैं राइट। तो एक्चुअली एनजीओ के लिए काम करती हूँ, जो कैंसर अनाथ लड़के जो रहते हैं, छोटे बच्चे 15-20 साल के अंदर के, उनके लिए मैं कॉन्ट्रीब्यूशन कलेक्ट करती हूँ। So, क्या आपका एनजीओ का नाम? लोक सेवा वेलफेयर ट्रस्ट। बता दो एक बार, लोक सेवा वेलफेयर ट्रस्ट। आप भी कंट्रीब्यूट करना इधर पे, जो भी कैंसर पीड़ित लोग हैं उनको कुछ ना कुछ थोड़ा कंट्रीब्यूशन करिए, कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में आपके थ्रू मदद जाएगा। तो सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट आपका स्कैनर है, आप कैश यूज करते हो? नहीं, तो स्कैनर आप कर सकते हो। ओके थैंक यू सो मच। तो एक बार जो है दिखा दो, बस दिखा दो, हो गया। थैंक यू सो मच। हे गाइस, तो अभी शाम के कितने बज चुके भाई लोग? 8:16 हो चुके। तो काफ़ी टाइम से हम इधर पे हैं बाहर मार्केट में, एंड हमने बहुत कोशिश करी कि हम जितना बन पड़े उतना हम पैसे जमा कर सके। तो हम लोगों ने मिलकर के तकरीबन 1000 तो नहीं बट 530 रुपये हमने जमा कर लिया है, और उस 530 रुपये का क्या करने वाले है बताओ। पैसे हम लोग एकदम जो गरीब है, जो लाचार है, मजबूर है, उनको हम लोग खर्चे करेंगे। ये पूरे पैसे गरीबों में जाना चाहिए, हमारा यही सिद्धांत है। तो लाइक अभी हम लोग जा रहे हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, और 530 रुपये जमा किए, उसका हम इधर से वड़ा पाव ले रहे हैं। पुणे में महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही फेमस है वड़ा पाव ले रहे हैं, और उन हॉस्पिटल के इधर पे हमें तो हमने सोचा कि अगर हम इनसे भी वड़ा पाव लेंगे तो कहीं ना कहीं इनका भी वो एक बड़ा ऑर्डर मिलेगा इनको भी, और वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। तो भैया इधर पे बना रहे, देख सकते हो। तो भैया कितने वड़ा पाव बना रहे हो? 35 वड़ा पाव बना रहे हो? यस जी। तो चलो इंतजार करते हैं, आप बनाओ, अच्छा बनाओ, टेस्टी बनाओ। ठीक, तो भैया वड़ा पाव कितने टोटल पैक कर दिया आपने? 36 कर दिए टोटल 36 वड़ा पाव पैक हो चुके। कितना दाम है इसका टोटल? 530 रुपये हो गया। ठीक है, तो भैया ने एक 500 टोटल 25 हो रहा था, 525 भैया ने एक वड़ा पाव एक्स्ट्रा दे दिया, तो हम ये टोटल 530 में हमें 36 वड़ा पाव मिल गए, जो हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनको कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। और थैंक यू सो मच, आपने पूरा अभी बंद कर रहे थे शॉप, लेकिन इन्होंने हमारे लिए पैक करके दिया, बना के दिया। ठीक है, पेमेंट आ गया।
राजा भैया ओ काका वो खाना खाया कि नहीं आओगे तो गुरु लोग अभी हम लोगों ने अपना आज का जो टारगेट था हमने पूरी कोशिश करी और बहुत सारे लोगों की मदद करी एंड आप लोग देख रहे हो तो आप भी ज़रूर अपने एरिया में आसपास में अगर किसी की मदद कर सको तो ज़रूर करो और करके आप चाहो तो वीडियो भी डालो जिससे दूसरों को पता चले कि हाँ हमें भी करना चाहिए। ठीक है तो बहुत अच्छा लग रहा है और अभी कितना बज रहा है अभी रहा? 10 बज के गया है और कहीं ना कहीं हम सुबह से निकले हुए हैं दोपहर से कुछ और मज़ा आ गया। सच बता रहा हूँ ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है बट अंदर से जो सोल खुश होता है एक अंदर से खुशी होती है वो हमें आज हुई है। तो और कुछ बोलना चाहते हो भाई लोग? मैं यही कहूँगा कि दोस्तों कि जो हमने ट्राई किया एक छोटी सी कोशिश है हमारी, कोई बड़ी कोशिश नहीं है बस एक छोटी सी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो छोटी कोशिश है वो एक बड़ी कोशिश भी हो जाए। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम लोग और भी कुछ ऐसे वीडियोस और ऐसे यूनिक कंटेंट लाते रहेंगे आपके लिए कि क्या करना है हेल्प वगैरह। तो जो भी है हम कर रहे हैं, हमें तो एक रास्ता मिला है करने का तो कर रहे बस, बाकी कुछ नहीं। हमारा कोई मकसद नहीं है कि ये दिखावा विखावा ऐसा कुछ नहीं है। तो जस्ट अभी हम जो कर रहे हैं, अभी जो हमने किया सुबह से हम लोग भी निकले हैं, हम भी खाए पिए नहीं है बट पहले जो भूखे सोए थे उन लोग को हमने खाना खिलाना था, जो भी हमसे बनता हमने किया है। तो बस ये कहना चाहूँगा। और राहुल भाई लाइक जैसे कि हम लोग देखे कि बहुत सारे जो मतलब बिना खाए हुए लोग सोए हुए थे उन्हें खाना देने में हम लोग को जो खुशी मिलता है हम लोग सोच रहे हैं कि इससे भी बड़ा करें हम लोग। तो लाइक आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें हम लोग आगे की ओर, आगे भी बड़ा इसे भी बड़ा करें। दोस्तों देखो हमारे सभी दोस्तों ने मिलकर के बहुत अच्छा ही काम किया, जो गरीबों को मदद की हम लोग। देखो ये एक्चुअली लोग भूखे सोते रहते हैं उनकी भी एक भगवान की कृपा होती है, किसी ने किसी को भगवान ने किसी न किसी तरह से उसको भोजन या रोजी देने के लिए बोलते उसको भेजते हैं मनुष्य को। हम लोग एक्चुअली दिखावे के लिए नहीं किए, थोड़ा वीडियो बनाया इसलिए कि लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कोई किसी का कोई मदद करने वाला होता है। बस एक्चुअली यही कहना चाहता हूँ, आप लोग मदद कीजिए और हम लोगों को थोड़ा सा और हौसला दीजिए आगे बढ़ाने के लिए, हम लोग अपना और आगे कार्य करें। वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुँचाइए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट मत जाइए और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाइए।